Hey guys, welcome or welcome back to my channel. I hope you all are doing okay. I'm also doing okay. So let's get started with the video. So guys, I have a 12th का फुल सिलेबस टेस्ट कमिंग अप इन अ फ्यू डेज, जिसके लिए आई हैव बिन स्टडिंग काफ़ी दिनों से. पूरी 12th मेरे को रिवाइज करनी थी, सो जिसमें से मैंने अभी तक 12th की फिजिक्स सारी रिवाइज कर ली है. एंड रिविजन में आई हैव बिन डूइंग शॉर्ट नोट्स, देन कोई भी रिविजन वाली वीडियो जिसमें काफ़ी सारी अच्छी खासी क्वेश्चन प्रैक्टिस है, देन उसके बाद पी वाई क्यूज. दिस इज़ द पैटर्न दैट आई हैव बिन फॉलोइंग. सो फिजिक्स हो गई है मेरी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई है, एंड टुडे आई हैव टू डू बायो बची अभी, ठीक है. एंड टुडे आई हैव टू डू फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक, जिसको मिला के टोटल 12th के 5 चैप्टर्स हैं. सो मेरे आज के टारगेट वही 5 चैप्टर्स हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइस, सबसे पहले आई एम स्टार्टिंग विद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बिकॉज आई डोंट रियली लाइक दिस चैप्टर. एंड जो भी चीज़ें मेरे को नहीं पसंद होती उनको मैं सबसे पहले करती हूँ, क्योंकि फिर जब तक लाइक यू नो रात होती जाती है तब तक मुझे और भी ज़्यादा मौत आने लगती है. सो आई एम डूइंग इट सबसे पहले. तो सबसे पहले मैं इसके डिटेल नोट्स रिवाइज कर रही हूँ. मैंने इनऑर्गेनिक में कोई भी शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं, इसलिए डिटेल नोट्स. ओके, सो नोट्स रिवाइज हो जाने के बाद आई एम स्किपिंग स्ट्रेट टू पी वाई क्यूज. आई एम नॉट डूइंग एनी उत्थान वाली वीडियो दिस टाइम, बिकॉज मुझे किसी भी हालत में आज ये 5 चैप्टर कंप्लीट करने, और अगर मैं उत्थान की वीडियो करने बैठ गई तो मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा. और बाय द वे, ये चैप्टर्स लाइक मैंने बहुत बहुत बार करे हुए, लाइक बहुत ज़्यादा बोर्ड्स में भी मैंने इनको अच्छे से करा था. सो उत्थान वाली वीडियो की ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ी, तो इसलिए डायरेक्ट पी वाई क्यूज कर लिए. बट इफ़ यू गाइज हैव द टाइम, यू शुड एक्चुअली लाइक डू द उत्थान वाली वीडियो, बिकॉज इट्स एक्चुअली वेरी वेरी नाइस. Then without wasting any time, we are starting with D and F block. Coordination compound में मेरे को काफ़ी टाइम लगा था, लाइक इट टुक मे अराउंड 3 to 4 hours उस अकेले इकलौते चैप्टर को करने में. इसलिए आई डोंट लाइक इट, बिकॉज वो इतना बड़ा है, उसमें इतनी सारी चीज़ें याद रखने को है. और हाँ, इसलिए जब मैं ये चैप्टर रिवाइज कर रही थी तब तो मेरे को लग रहा था कि वाह कितना अच्छा चैप्टर है, कितना ईजी है, छोटा सा है, इतनी आसानी से हो रहा है. बट जब मैं इसके पी वाई क्यूज़ करने बैठी तब आई रियलाइज यू नो बहुत सारी मेरे को लाइक एन सी आर टीज़ की बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़नी पड़ी. मैंने ऑलरेडी पढ़ी है, बट यू नो ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ ली एक बारी मेरे को सब कुछ याद हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है. मुझे कम से कम लाइक यू नो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को तो एटलीस्ट याद करना पड़ेगा, क्योंकि पी वाई क्यूज़ डायरेक्ट एन सी आर टी से आए हुए थे, लाइक जो नोट्स में नहीं था. ऑर्गेनिक की एन सी आर टी पढ़ने का प्रॉब्लम मेरे को टाइम नहीं मिलेगा तो, बट लाइक इनऑर्गेनिक की तो मैं करके ही रहूँगी लाइक यू नो एकदम अच्छे से. सो गाइस, नाउ आई एम गोना बी रीडिंग डी एंड एफ ब्लॉक की एन सी आर टी, प्लस ऑल्सो गोना मार्क पी वाई क्यूज इसमें एन सी आर टी में साथ साथ. सो लेट्स डू दैट. सो गाइज, आई एम यूजिंग पी वाई क्यू मार्क्ड एन सी आर टी फ्रॉम एन सी आर टी अभ्यास बैच, जिसमें चारों सब्जेक्ट्स की पी वाई क्यू मार्क्ड एन सी आर टी दी रहती है. और इसमें जिस भी लाइन से पी वाई क्यू आता है वो हाईलाइटेड होती है, जिसको यूज़ करके आप अपनी एन सी आर टी में भी मार्क कर सकते हो. और जब उस हाईलाइटेड लाइन पे क्लिक करोगे तो वो पी वाई क्यू खुल जाता है, मतलब यू कैन सी वो क्वेश्चन कैसे आया था, कौन सी ईयर में आया था, कितनी बारी आया है, और यू कैन ऑल्सो सॉल्व इट वहीं पर. और अगर क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो उसका वीडियो एक्सप्लेनेशन देख के आप अपने सारे डाउट्स भी साथ के साथ क्लियर कर सकते हो. एंड मैं पर्सनली अगर बताऊँ तो मेरे लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पी वाई क्यू मार्क एन सी आर टी. मैंने ऑलमोस्ट अपने हर चैप्टर में इसको यूज़ करके जिस भी लाइन से पी वाई क्यूज़ आया है उनको अपनी एन सी आर टी में मार्क करा हुआ है, क्योंकि हम सबको पता है कि नीट में कितने ज़्यादा पी वाई क्यूज़ रिपीट होते हैं, और उन लाइन्स को जिनसे पी वाई क्यूज़ आए उनको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए. इसीलिए एन सी आर टी अभ्यास बैच में आपको पेज वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे, विच इज़ लाइक अ वेरी यूनिक फीचर, और ये रिविजन के लिए बहुत अच्छा है. आप एन सी आर टी के कुछ पेजेस रिवाइज करके देन उन स्पेसिफिक पेजेस के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो आराम से. पेज वाइज फिल्टर लगा के जिन भी स्पेसिफिक पेजेस के आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं जो आपने रिवाइज करें वो आराम से कर सकते हो. जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करोगे और उसको मार्क करोगे तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि वो कितने परसेंट लोगों ने सही करा है और कितने परसेंट लोगों ने गलत करा है. और अगर आपसे कोई क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो आप उसका वीडियो एक्सप्लेनेशन देख के भी अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो. ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में वीडियो या टेक्स्ट या ऑडियो एक्सप्लेनेशन दिया रहता है.
यू कैन ऑल्सो बाय अभ्यास बुक्स विच इज़ लाइक टोटल 8 बुक्स फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पेन एंड पेपर एज वेल एज OMR प्रैक्टिस फॉर नीट 2024, 2025, 2026। बेस्ट तो यही होगा कि आप बैच में ऑनलाइन एनरोल करके ऑफलाइन बुक्स लेके ऑफलाइन मोड में प्रैक्टिस कर लो। एंड दिस बैच इज़ सुपर अफोर्डेबल। सभी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। देन DNF ब्लॉग का ये सब चीज़ें हो जाने के बाद आई एम डूइंग इसके PYQs। और हाँ, जैसे मैंने बताया, बहुत सारे PYQs थे जो डायरेक्ट NCERT से आए थे। एंड ऑब्वियसली मेरे को ऐसा तो है नहीं, मेरे को एक एक लाइन याद हो गई एक बार पढ़ने के बाद NCERT के, तो ऑब्वियसली आई वाजंट एबल टू डू दोज क्वेश्चंस, बट इट्स फाइन क्योंकि मैं आई नो दैट कि मैं कर लूँगी अच्छे से। इनऑर्गेनिक NCERT तो करनी ही पड़ती है ब्रो, इट्स लाइक डू और डाई। देन शाम हुई थी, जब तक सॉल्यूशंस करने की बारी आई थी। ये लाइक अच्छा हुआ, लाइक आई वाज ग्लैड कि मेरी इनऑर्गेनिक तो हो गई है, फिर फिजिकल तो इजीली हो ही जाएगी। फिजिकल में तो मुश्किल से 3 चैप्टर हैं और इजी लगते हैं मेरे को तो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थोड़ा सा बेकार है, बट उसके अलावा बाकी सही है। इसके मैंने डिटेल नोट्स नहीं रिवाइज़ करे बाय द वे, क्योंकि शॉर्ट नोट्स बने हुए थे और शॉर्ट नोट्स बड़े अच्छे होते हैं, मतलब इजीली जल्दी से सब रिवाइज़ हो जाता है। देन उसके बाद मैंने इसके PYQs यूज़ करे एंड मेरी फटी हुई बुक। एंड गाइज, डू कॉमेंट बिलो एंड टेल मी कि कैसी चल रही है पढ़ाई, कैसा चल रहा है रिविजन। आई होप सबका रिविजन ही चल रहा हो भी। एंड ऑल्सो जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है, प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब कर दो यार, लाइक जनरली प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। सो गाइज, अ लिटिल अपडेट। केमिकल काइनेटिक्स का कुछ भी पार्ट आई कुड नॉट रिकॉर्ड, सो बट लाइक केमिकल काइनेटिक्स हो गया है तो अभी तक मेरे 4 चैप्टर्स हो गए हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, DNF ब्लॉक, सॉल्यूशंस एंड केमिकल काइनेटिक्स। और सभी चैप्टर्स में ना मैंने यही कराया कि शॉर्ट नोट्स एंड PYQs, क्योंकि मुझे आज किसी भी हालत में चैप्टर्स कंप्लीट करने थे, तो इसलिए आई डिड नॉट डू एनी यू नो उत्थान वाली वीडियो या एनी वीडियो कुछ भी ऐसी। And now I'm gonna be starting with electrochemistry के short notes, then इसके PYQs and finally chemistry ख़त्म हो जाएगी, then सिर्फ मेरी bio बचेगी और फिर उसके बाद I can give my test। So this was it for today's video, I hope you all liked the video। I'm not gonna be recording electrochemistry वाला part also, because you know video बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी फिर। So bye bye, see you guys in the next video।